आदाब इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं नीता सिंह वैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में आज बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट और इनविट का मतलब है ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो इनकम जनरेट करने के मकसद से बनाए गए हैं ये कॉर्पोरेशंस पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करने के साथ साथ हाई वैल्यू रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ और मॉटेज़ को भी मैनेज करते हैं वहीं इन्वेट या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए उनके पैसों के को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ करता है तो कैसे करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट और कैसे हासिल करें मनचाहा मुनाफा इसी पर रिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अमित सौरव और जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली वेलकम टू स्टूडियो अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी बदल रहे हैं तो आज हम बात करेंगे रिट और इनविट की कि ये क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है तो सबसे पहले शरद डॉक्टर शरद आपसे जानना चाहेंगे कि रिट और इनविट है क्या देखिए जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको ऑप्शन जब वो ढूंढता है तो म्यूचुअल फंड दिखते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स दिखते हैं शेयर मार्केट दिखती है जिसकी हम पैसा बोलता हमें अक्सर बातें भी करते हैं गोल्ड वगैरह दिखता है रियल एस्टेट जब वो देखता है तो उसको लगता है कि रियल एस्टेट बहुत लोगों से सुना है रियल इस्टेट में बहुत लोगों ने पैसा बनाया और लंबे वक्त के लिए रहे लोगों ने मकान खरीदे थे आ, मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले मान लीजिए 20-25 लाख का मकान खरीदा आज वो ढाई तीन करोड़ का है अक्सर ये तो बड़े कॉमन आपको शहरों में और आजकल तो गाँव में भी सुनने को मिलता है बिल्कुल तो अब जो नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको लगता है कि अगर मैं किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़ना चाहूँ और मेरे पास थोड़ा सा पैसा हो मतलब मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं कि मैं ढाई तीन करोड़ का पांच करोड़ का दस करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद सकूं तो ये मुझे लग रहा है कि जो पूरा आ, प्रशासन है पूरा जो तंत्र है उसके सामने एक समस्या थी कि कैसे उन छोटे लोगों को उन छोटे निवेशकों को जोड़ा जाए बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वहीं से जन्म हुआ 2007 में आ, मुझे याद आता है रीट बनाया गया जिसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं आर ई आई टी और इसका नोटिफिकेशन निकाला गया सेबी इसको मॉनिटर करता है जी। इसको अगर आसान भाषा में आसान लफ्जों में अगर हम समझा समझना चाहें तो ऐसा समझिए कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए जरूरत करी बोलने की क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में हम पैसा बोलता है में बहुत जिक्र कर चुके हैं और जो लोग पैसा बोलता है से लगातार जुड़े रहते हैं डी उर्दू पर वो लोग म्यूचुअल फंड को बखूबी समझते हैं बिल्कुल तो समझ लीजिए कि एक रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है क्योंकि आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में तो आप पांच सौ इन्वेस्ट करके भी जुड़ सकते हैं जी। पर सवाल ये उठता है कि क्या पांच सौ हजार रुपए दस हजार रुपए पांच हजार रुपए लगाकर आप किसी प्रॉपर्टी का भी हिस्सा बन सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में खड़ा होता है तो इसका आपको हैरानी होगी सुनकर इसका जवाब है हाँ जी। और आरई इसका एक सोल्यूशन निकाल के देता है एक समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड है और अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है उसी के अंदर सारी ट्रस्ट बनती हैं भारत में जो भी ट्रस्ट बनती है तो इसमें एक ट्रस्टी होता है एक स्पॉन्सर होता है एक फंड मैनेजर जिसको रीट मैनेजर कहते हैं वो होता है यूनिट होल्डर्स होते हैं तो इन लोगों को मिला के एक कारपोरेशन बना दी जाती है उसको हालांकि उसकी शक्ल ट्रस्ट की होती है पर वो ऑपरेट करती है एक म्यूचुअल फंड की तरह एक, एक मतलब आप समझ लीजिए सब लोगों ने मिलकर पैसा डाल दिया और उस पैसे को ये ट्रस्ट रियल एस्टेट एसेट्स खरीदने में लगाती है जबकि एक म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उसको शेयर मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है जबकि ये ट्रस्ट उसको रियल एस्टेट के एसेट्स और इसको 80 परसेंट अपने जो पैसे कलेक्ट होते हैं लोगों से जी उसको लगाना होता है इनकम जनरेटिंग एसेट्स में जी और केवल 10 परसेंट एसेट्स आप लगा सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल तो आ, अगर फिर मैं आसान लफ्जों पर आऊं तो यू कहूंगा कि बहुत लोगों ने मिलकर कुछ प्रॉपर्टी ले ली एक क्राउड बना के एक प्रॉपर्टी ले ली और उस प्रॉपर्टी का आप ना भी अफोर्ड कर सकते थे तो आप इसका हिस्सा बन गए अब इनविट की बात आती है अभी हम ब्रीफ में बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स तो नीता और बड़े होते हैं जी वहां तो हजारों करोड़ का आउटले होता है तो इसमें तो लोगों का जुड़ना और मुश्किल होता है तो 2014 में सेबी की निगरानी में ये ट्रस्ट को बनाने का नोटिफिकेशन निकाला गया कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी निवेशक बकायदा उसका आईपीओ आएगा आईपीओ के जरिए और इसमें इसमें खासियत क्या है हालांकि हम उसके आगे बात करेंगे कि ये ट्रस्ट शेयर मार्केट में क्योंकि तो सेबी द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं शेयर मार्केट में इनकी लिस्टिंग करा दी जाती है तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी मिल जाती है आप उसको छोटे छोटे यूनिट्स खरीद सकते हैं बेच सकते हैं तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो पहले रीट का जन्म हुआ और रीट से ही फिर इनविट का जन्म हुआ 2007 में उसके सात साल बाद इनविट आया तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास आगे जैसे जैसे ये गुफ्तगु बढ़ेगी तो हम इसमें बात करेंगे इसके फायदे नुकसान क्या है कौन लोग इसमें जुड़ सकते हैं क्या इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वगैरह वगैरह तो मैं मोटे मोटे तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो सवाल था जी, कि रीट क्या है और इनविट क्या है और इसी के नाम दिए गए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर जो लोग रीट रीट सुनते हैं रीट क्या चीज है और इनविट इसको लिखा जाता है आई एन वी टी आई एन वी आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसको बकायदा लिखने का एक एक इनविट को तो लिखने का एक तरीका भी बना दिया गया है कि जैसे ही आप उसको लिखा लिखा देखे दूर से आप समझ जाए कि ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का यहाँ जिक्र हो रहा है बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर शरद ने बताया अभी कि अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ये पसंदीदा सेक्टर रहा है लोग इसमें काफ़ी समय से इन्वेस्ट करते रहे हैं और करना चाहते हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि एक लमसम अमाउंट दे उसे नहीं खरीद सकते फिज़िकली नहीं खरीद सकते हैं रीट और इन्विट के आने की बात क्या इस तरह के फ़ायदे उसमें भी होते हैं मंथली इनकम में होती है और लॉन्ग टर्म अप्रिसन कैपिटल अप्रिसशन भी होता है देखिए नीता जब से रीट और इनविट आई है इसके पहले क्या होता था कि रियल स्टेट सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होता था जी। तो एक छोटा इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता था जबकि हमेशा हर कोई जैसे सरद जी ने ऑलरेडी बताया कि रिटर्न्स काफी अच्छे दिखते थे तो हर कोई अट्रैक्ट होता था जी। लेकिन इस लिमिटेशन के कारण वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता था रीट और इनविट के आने के बाद छोटे इन्वेस्टर को भी एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि वो भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके और इन सेक्टर्स के ग्रोथ का हिस्सा बन सके तो और इसका फायदा उनको मिलता है जी जी बिल्कुल जी डॉक्टर शरद आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात की रीट और इन्वेस्ट है क्या लेकिन अब इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो प्रोसीजर क्या रहता है क्या तरीका है इन्वेस्ट करने का देखिए अगर हम रीट की बात करें जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये शेयर मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एनएससी में आज भी इस समय भी जब हम बात करते हैं सुनते हैं जब भी स्टॉक मार्केट खुलती है तो ये ये ट्रस्ट फंड्स जो है ये खुले रहते हैं आप इसमें से ख़रीद बेच कर सकते हैं जैसे आप किसी शेयर में करते हैं तो वो तरीका तो है ही है अगर हम इनविट की बात करें तो यहां पर आईपीओ के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं जब इसका इनिशियल हालांकि वहां पर आपको कम से कम दस लाख रुपए लगाने पड़ते हैं और तो और सबसे बड़ा फायदा जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से आप खरीद भी सकते हैं और उसको जब चाहे आप बेच भी सकते हैं वरना रियल एस्टेट के बारे में नीता जब भी बात की जाती थी तो एक साथ में जरूर जोड़ दिया जाता था कि भाई आप रियल एस्टेट ले रहे हैं तो ये थोड़े ना आप अभी, अभी आप कहते ही थे घर में मजाक में कि मकान कोई बच्चों का खेल थोड़ा ना अभी खरीदा अभी बेच दिया या दुकान अभी खरीदी अभी बेच दी और मैं ये भी बताना चाहूंगा यहाँ दर्शकों को कि किस टाइप के रियल एस्टेट एसेट्स में ये रीट लगाता है क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे रिटर्न आते हैं घरों अपार्टमेंट्स में लगाता है वेयर हाउसेस में लगाता है कमर्शियल स्पेसिस में लगाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में लगाता है हॉस्पिटल सर्विसेज में लगाता है जो भी आप रियल एस्टेट से कंसर्न uh, प्रोडक्ट सोच सकते हैं जहां पर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी आपको इमारत खड़ी दिखती है जी, और उसमें से अगर कमाई दिखती है मतलब रेंटल कमाई और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन यही दोनों फायदे इन इन्वेस्टर्स को मिलते हैं अब इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे आपने जो सवाल अभी इनसे पूछा कि इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि हमें किस तरीके से रिटर्न मिलता है तो इसमें जो किराया आता है उन प्रॉपर्टीज से उस किराए को डिविडेंड के तौर पर जी सारे यूनिट होल्डर्स के बीच में हमने अभी बताया ना कि रीट में कितने लोग होते हैं यूनिट होल्डर्स होते हैं एक स्पॉन्सर होता है जो प्रमोट करता है ट्रस्टी होते हैं जो उसको होल्ड करते हैं और रीट मैनेजर होता है जिसको मैनेज करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है तो अगर हम इन सारी चीजों में जाएं वो इनविट में होता है पर हम रीट की भी अगर बात करें वहां भी इनमें से यही कंपोनेंट्स होते हैं और उससे मिलता जुलता ही दोनों होते हैं तो आपको जो किराया आ रहा है वो डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाता है और अगर उसमें कोई कैपिटल एप्रिसिएशन होता है मान लीजिए उस ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी को पूरा एक्वायर कर रखा है और इसमें यह भी जानना जरूरी है नीता के क्योंकि किस तरीके की रीट है उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये रीट भी कई तरीके की होती हैं जी बिल्कुल उस पर उस पर बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की रीट होनी जी, चाहिए जी। पर आपने भी ये बताया कि किस तरह के फायदे होते हैं किस तरह के मंथली भी डिविडेंड के तौर पर मिलता है और फिर कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है लॉन्ग टर्म मतलब मेरा जरूरी मंथली ये जरूरी नहीं कि मंथली आए क्योंकि वो रीट एनुअल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है साल में दो बार उस रीट को अपनी एन अच्छा जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू ये घोषणा करनी, करनी होती है डिक्लेरेशन करनी होती है उससे इन्वेस्टर को ये आईडिया हो जाता है कि मैंने अगर सौ रुपए लगाए थे तो मेरे वो 110 हुए हैं या 120 हुए हैं बाकी डिविडेंड की डिक्लेरेशन वो एनुअल ही नॉर्मली करी जाती है जी, जी। और ये डीमैट अकाउंट के थ्रू माना जाए कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आप जैसे क्योंकि जो चीज शेयर मार्केट में है उस शेयर मार्केट में तो क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है तो जैसे शेयर मार्केट के बाकायदा जैसे डीमैट में आपके शेयर्स आते हैं ऐसे ही जब आप उसके यूनिट खरीदेंगे उस रीट के और वो उसी आपके डीमैट अकाउंट में जितने यूनिट आप खरीदेंगे वहां आके वो बस जाएंगे जी बिल्कुल आ, ये तो बात हुई कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रीट और इन्वेट में आपसे अमित जी एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आ, आ, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदल गया है हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं पहले हम फिज़िकली कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे और बहुत पैसे की जरूरत पड़ती थी अब इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका ही बदल गया है तो किस तरह के बदलाव ये आप देखते हैं आपसे जानना चाहेंगे देखिए नीता ये बहुत बड़ा बदलाव है और जो अभी हम रिटर्न वगैरह की बात कर रहे थे और शरद जी ने जैसा बताया तो एक तो मंथली रिटर्न जो आ रहे हैं तो उसमें रीट के लिए एक डिफाइंड है दैट जितने भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका 90 प्रतिशत उन्हें डिविडेंड में देना ही देना है तो इस तरह से एक रेगुलर इनकम का ये ऑप्शन देती है दूसरा जो बदलाव की बात आप कर रहे थे तो ये एक ऑप्शन देता है इन्वेस्टर्स को रियल स्टेट सेक्टर में इंटर करने का सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए एक नया ऑप्शन देता है और विथ uh, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसके साथ आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके आप फंस गए जैसे रियल स्टेट में क्या होता है कि रियल इस्टेट में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो बहुत लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होता है दूसरा अपने मुताबिक आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है रियल स्टेट की और उस समय अगर आपको फंड की जरूरत पड़ गई तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है मुश्किल होता है बिल्कुल जो कि यहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और फ्लेक्सिबल है कि जब मर्जी चाहे आप निकल सकते हैं आ, टैक्स का जैसे शरद जी ने बोला तो टैक्स इंप्लीकेशन है नो डाउट no है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है जी, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी आप रियल स्टेट में और एक छोटे से कॉर्पस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं जी, तो जब एक इन्वेस्टर ऑप्शन देखता है तो एक नया ऑप्शन उसको यहाँ पे मिलता है दूसरे ऑप्शन के साथ तो डाइवर्सिफाई वो अपना पोर्टफोलियो कर सकता है इसके थ्रू जी बिल्कुल डॉक्टर शरद आपने बताया कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है आप बात करते हैं टाइप ऑफ रीट की तो वो आपसे समझना चाहेंगे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो किन बातों को पहले देखे कि किस तरह के रीट में इन्वेस्ट करें अपनी जरूरतों के हिसाब से जी हाँ बिल्कुल बहुत बखूबी आपने सवाल पूछा है और मैं यहाँ पर सभी व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप रीट को अच्छे से समझ लेंगे हाँ। तो इनविट उसका समझ लीजिए कि बहुत नजदीक का भाई है जी। तो वो बिल्कुल मिलता जुलता है तो हम अगर रीट को अच्छे से समझ लें तो इनविट उसमें से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है तो आपने किस्म की बात करी है कितने किस्म के रीट होते हैं बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके की रीट में अब मान लीजिए हमारा शो सुनकर रीट सुनकर कोई आंख बंद कर, कर लगा दे पर अगर हम ये ना बताएं कि किस तरीके की रीट है तो मुझे लग रहा है वो जानकारी अधूरी रह जाएगी तो पहला होता है इक्विटी रीट इक्विटी रीट का मतलब होता है वो ऐसा ट्रस्ट होता है जो कि किराए से जो इनकम आती है ज्यादातर पैसा उसमें लगाते हैं जिससे कि रेगुलर डिविडेंड बांटा जा सके दूसरा होता है जिसको हम एम रीट भी कहते हैं ये एम रीट बड़ी अजीब गरीब चीज़ है ये क्या है ये इसको मॉडगेज रीट कहते हैं मॉडगेज क्या होता है कि जब आप मकान के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको मॉडगेज कहते हैं मेरे ख्याल हमारे ज्यादातर जो पैसा बोलता के व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे इस बात को जी तो ये क्या ये ट्रस्ट क्या करता है ये पैसा उन लोगों को देता है जो कि घरों की फाइनेंसिंग करते हैं या यू कहिए कि घरों की फाइनेंसिंग सीधी करते हैं तो इसको इसको जो रिटर्न आता है वो इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसने आगे पैसा दिया उन्होंने आगे प्रॉपर्टी में लगाया तो उस इंटरेस्ट वो इसकी इनकम बन जाती है उसको ये अपने निवेशकों में अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देता है तो ये हो गई दूसरी तीसरी होती है हाइब्रिड जी हाइब्रिड कहते हैं जो दोनों में करता है वो इक्विटी में भी करता है मॉडगेज में भी करता है ये दोनों का मिक्स हो गया है। तो तीसरा ये हो गया अब एक चौथी किस्म भी है बल्कि किस्म की भी इसमें किस्म है क्योंकि इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग तरीके से कर गई है फिर एक होती है प्राइवेट रीट प्राइवेट रीट क्या करता है वो आम निवेशकों के लिए नहीं खुला होता जी। वो कुछ लोगों को मिला के जान, जानकार लोगों को या कुछ इन्वेस्टर्स को मिला के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए वो पैसा रियल एस्टेट में लगाता है फिर होती है पब्लिक रीट पब्लिक रीट पब्लिक रीट के अंदर भी दो तरीके की रीट होती है एक पब्लिक रीट होती है जिसको शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं किया जाता जी यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती उनकी हम यहां बात नहीं करते क्योंकि हमारे आम दर्शकों से वो जुड़ी हुई नहीं है मैं इसलिए उसको बहुत तफसील से नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होती है और क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती तो उसमें हमारे दर्शक ये सोचेंगे भाई जब स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है और आपने तो कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें तो हम पहुंच ही नहीं सकते तो जो आखिरी कैटेगरी है वो है पब्लिक रीट और ट्रेडेड रीट मतलब हुँ। जो लिस्टिंग जिसकी की जाती है उसका हम यहाँ ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि जो पब्लिक के लिए खुली हुई है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है तो सौ करोड़ का कम से कम कॉर्पस होना चाहिए इसमें नीता अगर आपको उसमें करना है और ये भी रेगुलेशन है कि पच्चीस तक जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको पच्चीस तक ये निवेशकों के लिए एक सिक्योरिटी फीचर डाला गया है कि जिन्होंने प्रोमोट किया है वो पच्चीस तक अपने पास रखें और तीन साल तक उस उस शेयर को वो बेच नहीं सकते हैं जी। तो जिससे उनका कमिटमेंट रहे ये ना हो लोगों को फसा के खुद अपना हाथ झाड़ के चल पड़े भैया चलो भी अब तो लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये रीट का स्ट्रक्चर होता है और सेबी से बाकायदा रेगुलेटेड होता है इसमें अगर कोई ये सोच रहा हो क्या इसमें कोई धांधलेबाजी का चांस है क्योंकि देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि मान लीजिए मैंने एक लाख रुपए लगाया जी। और उस रीट ने आगे मान लीजिए दो हजार करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है मैं एक एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ अब मुझे तो नहीं पता कि मेरा एक लाख रुपया किस बिल्डिंग में किस फ्लोर पर वेयर हाउस में दुकान पर शोरूम पर ऑफिस में अपार्टमेंट में कहा लगा हुआ है मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो तो एक पूल बना हुआ है मैंने तो उस पूल में डाल रखा है उस पूल का पैसा जहां मर्जी लग रहा है तो इसलिए सेबी ने इसको बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट है और सेबी बाकायदा जो भी रीट को रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसको लाइसेंस मिलता है उस, उसको बाकायदा अपने सारा हिसाब किताब सेबी को टाइम टाइम पे देना पड़ता है ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे व्यूअर्स को ये इस बात पर यकीन रहे कि वाकई ही रीट में पैसा लगाना एक सेफ बेट है जी हाँ ये जरूर है ये मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखते हैं हालांकि Uh, मुझे मालूम है कि आप ये मेरे से बाद में सवाल हमसे पूछती जरूर कि म्यूचुअल फंड और इसमें क्या फर्क होता है पर क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से ही नीता मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ आप माफी चाहते हुए क्योंकि म्यूचुअल फंड से ही कॉन्सेप्ट से निकला हुआ ये कॉन्सेप्ट है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा कि म्यूचुअल फंड का मैं जिक्र ना करूं तो जब म्यूचुअल फंड से लोग अपना रिटर्न कंपेयर करते नहीं था तो वो देखते हैं कुछ कुछ म्यूचुअल फंड फंडीस तीस परसेंट भी रिटर्न देते हैं जबकि रीट और इनविट के रिटर्न्स थोड़े से स्लो आते हैं हम जानते हैं अगर मैं ये बहुत काम की बात एक बताना चाहूंगा मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी शहर में ली और आपने उसको किराए पे चढ़ा दी तो यहाँ मेरे ख्याल सब लोग इस बात को जानते होंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस उसपे जो रिटर्न है मूमन पांच छह परसेंट से ज्यादा नहीं होता है मतलब आप किराए का रिटर्न ले मान लीजिए मैंने दो करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो मुझे उस पर दस लाख पांच लाख रुपए पांच और दस लाख के बीच में रिटर्न आता है जब पर यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाएं तो उन्हें लगता है हमें तो भाई साल का बीस लाख रुपए पच्चीस लाख रुपए रिटर्न भी आ जाता है पर ये एक प्रोडक्ट निकाल दिया गया है और मुझे लगता है जिन लोगों का रियल एस्टेट में वाकई में शौक है और जो लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगाया जाए उन लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ये एक एक मीडियम निकल के आया है और मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त बीतेगा इसकी इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी मशहूरी और ज्यादा होगी और कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है नहीं था हालांकि मैं ये बात बहुत बहुत रिजर्व होके कह रहा हूं कि मान लीजिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम हो गए तो ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आपको लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या रीट के जरिए जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिटर्न दे रही है ऐसा वक्त कभी ना कभी आ सकता है तो ये एकदम से ये चमक जाएंगे और एकदम से उभर के आएंगे तो हम तो क्योंकि पैसा बोलता है मैं एडवांस में बात करते हैं लोगों को समझाते हैं तो मुझे लग रहा है आज ही आप इसको जहन में बांध के रख लीजिए और कुछ थोड़ा बहुत पैसा आप इसमें लगा सकते हैं जी बिल्कुल हम बात करेंगे अभी पोर्टफोलियो की कि कितना परसेंटेज रखना चाहिए आपके पास वापस आएंगे डॉक्टर शरद अभी अमित जी से जानना चाहेंगे क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज़्यादा पुराने नहीं हैं तो समझना चाहेंगे कि किस तरह की शर्तें होती हैं क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या लिमिटेशन हैं अगर मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एज सच म्यूचुअल फंड की तरह ही है जो हमने अभी तक बात करी है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कंपनियों के लिए है बट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच वो नॉर्मल इक्विटी जैसे म्यूचुअल फंड में ट्रेड कर सकते हैं उस तरह से ये ट्रेड कर सकते हैं डीमैट फॉर्म अवेलेबल है तो उन्हें एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है अगर उन्होंने अभी तक नहीं खुलवाया है तो और उसके थ्रू यूनिट्स परचेज कर सकते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा नियम कानून अलग से कोई डिफाइंड नहीं है कि वो किस तरह से इसमें इंटर कर सकते हैं जी तो आपने कहा कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है वैसे वैसे भी कट किया जा सकता है डॉक्टर शरद हाँ, आपसे समझना चाहेंगे कि ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर आईपीओ के थ्रू आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है लेना कैसे इसको डील करेंगे जी हाँ जैसे मैंने आपको इनविट का बताया हाँ. मैं आपके सवाल का इनविट के जरिए आंसर हुँ. देना चाहूंगा इनविट का बताया कि उसमें आईपीओ के जरिए आप आना चाहते हैं तो आपको फिर कम से कम दस लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर एक दफे जब ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है तो सेकेंडरी मार्केट में ये एक शेयर की तरह ट्रेड होता है तो जैसे अब मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहूंगा पर कुछ आ, रीट्स हैं जिनमें अभी मैं आ, कल ही बैठ के देख रहा था उनमें करीब डेढ़ से लेकर ढाई रुपए एक यूनिट की, की कीमत है जी। तो अब आपको मान लीजिए आपको दस हजार रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप ढाई सौ के हिसाब से कर रहे हैं तो आप समझिए लगभग आप चार सौ यूनिट के करीब आप उसमें ले सकते हैं या चालीस यूनिट ले सकते हैं मैं अगर ढाई सौ रुपए की बात करता हूं और यही डेढ़ सौ रुपए का है तो आप लगभग 600-700 यूनिट के आसपास ले सकते हैं तो आपने जैसा भी अमित ने बताया आप उसको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए ब्रोकर के पास ब्रोकर के पास जैसे आप शेयर्स का ऑर्डर करते हैं या आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं ऑनलाइन करिए जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे पैसे देंगे आपके अकाउंट में वो वो आ जाएंगे और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब उसका आईपीओ आता है तो जो लोग रीट इनविट मार्केट से जुड़े हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के बाद बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे इस इस तलाश में रहेंगे कि कब एक इनमिट का इशू आए या नीट का इशू आए क्योंकि आज तक तो आ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था इसके बारे में तो जब वो इशू आता है तो जो लोग जो इसकी आई की मार्केट है वहां पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप ऑनलाइन जाएंगे आप सर्च करेंगे आपको आराम से पता लग जाएगा कि कब इशू आने वाला है तो अगर आप इनिशियल इशू में मतलब जब इसका इशू आ रहा है लिस्टिंग से पहले आप जब घुसते हैं उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं उसमें जो इशू यूनिट प्राइस होता है उस प्राइस पे आपको इसको लेना होता है उसका प्रीमियम है या फेस वैल्यू पर है अगर फेस वैल्यू है तो जितने का यूनिट फेस वैल्यू का है उतने आप पैसे लगाते हैं अगर प्रीमियम पे आ रहा है तो प्रीमियम समेत जितने का यूनिट बनता है आप उतने पैसे लगाते हैं और अगर इशू निकलने के बाद आप जब लगाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं मतलब एक बार इसकी लिस्टिंग हो गई जी लिस्टिंग हम हमारे दर्शक जानते होंगे कि जब किसी भी शेयर का किसी भी ट्रस्ट का कॉरपोरेशन का जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको हम लिस्टिंग कहते हैं एक दफे लिस्टिंग हो गई तो फिर तो आप जब मार्केट की ऐप खोलेंगे और शेयर्स की लिस्ट देखेंगे तो, तो उसमें आपको वो दिखाई देगा उसमें आप फ्लेक्सिबल है तो मैं तो बल्कि इनबिट और ईट के केस में तो नीता मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट शायद ज्यादा फायदेमंद है बिल्कुल क्योंकि उसमें एक तो आप छोटा अमाउंट लेके चल सकते हैं और मुझे लगता है कि इसके आईपीओ को ट्रैक करना क्योंकि इतने ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किए जाते हैं तो थोड़ा सा ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है हालांकि जो लोग तलाश में रहते हैं वो तो ढूंढ लेते हैं पर सेकेंडरी मार्केट में तो आप जैसे ही अगर अभी भी जब हमारा जो शो सुन रहे हैं आप अगर गूगल करेंगे गूगल करके आप डालिए कि विच आर द रीट लिस्टेड शेयर्स आपको इमीडिएटली लिस्ट सामने आ जाएगी जैसे ही आपके सामने लिस्ट आए जब मार्केट खुलेगी आप मार्केट में उसका नाम टाइप करिए वो आपके सामने आ जाएगा आप उसका ऑर्डर प्लेस करिए और आपके डी अकाउंट में आ जाएंगे तो मैं पर्सनल uh, तौर पर मैं सेकेंडरी मार्केट की ज़्यादा सलाह देता हूँ मुझे लगता है कि उसमें uh, क्योंकि लोग शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए वो रास्ता थोड़ा सा रिलेटिवली uh, आसान हो जाता है जी तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर शरद अमित जी, जी आपसे पूछना चाहेंगे क्या हम इन्विट और रीड को कंपेयर कर सकते हैं किस में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है और uh, क्या कितना इसमें इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है अगर इनकी रीड की और इन्विट की बात करें तो नीता जैसा हम लोगों ने अभी बात किया सरद जी ने भी बोला कि रीट का ही एक सबसेट काइंड ऑफ थिंग या उससे सिमिलरिटी है इनविट में तो so बहुत ज्यादा एस सच डिफरेंट नहीं है लेकिन जो बेसिक्स हैं कि रीट के फंड्स किस जगह इन्वेस्टमेंट होंगे वो एक डिफाइंड है तो और इनविट जैसा कि नाम से ही पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सो इनविट के फंड्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होते हैं तो बेसिक ये डिफरेंस है जी, और दोनों ही सेक्टर एक दूसरे को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक दूसरे के पूरक होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रियल एस्टेट भी डेवलप होता है और रियल एस्टेट जहां डेवलप होता है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो दोनों सिमिलरिटी काफी ज्यादा है लेकिन यह है कि अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो रीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहा है जहां से कि रिटर्न शुरू हो रहे हैं अब कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जबकि इन इनवीट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे टोल हो गया इस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है तो वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म में रिटर्न आने के पॉसिबिलिटीज होते हैं यहाँ पे इमीजिएट रिटर्न आपको शुरू हो सकते हैं जी बिल्कुल तो अभी हम बात कर रहे थे कि कंपेयर करना चाह रहे थे कि किस में ज़्यादा बेनिफिट होगा आपसे भी डॉक्टर शरद जानना चाहेंगे कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है क्या डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं किन बातों का रखें ध्यान इन्वेस्ट करते समय जी हाँ बिल्कुल आपने बहुत काम की बात पूछी है जो जनविट है खासकर जैसा कि अभी अमित ने कहा उसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नीता इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत लंबे वक्त के लिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सड़कें हो गई हाईवेज़ हो गए और बुनियादी बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं उससे उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स हो गए वो इनविट से वास्ता रखते हैं और रियल एस्टेट में तो जैसे मैंने आपको कहा वेयरहाउसेज हैं अपार्टमेंट्स हैं शॉपिंग मॉल्स हैं ऑफिस कॉम्प्ले, कॉम्प्लेक्सेज हैं और ये सब चीज़ें आती हैं तो आप दोनों को हालांकि कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत जल्दी बन के खड़े हो जाते हैं पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें आपने जो कंपैरिजन वाली बात करी तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थोड़े से देर से तैयार होते हैं क्योंकि ये, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है मान लीजिए एक हजार किलोमीटर की सड़क बननी है तो वो तो रातों रात बन नहीं सकती और एक मान लीजिए बिल्डिंग खड़ी होनी है बीस मंजिल की वो जल्दी खड़ी हो जाएगी पर अगर एक हजार किलोमीटर की सड़क है तो उसमें तो तीन साल चार साल भी लग सकते और ये बिल्डिंग हो सकता है एक साल में खड़ी हो जाए तो मुझे लग रहा है जो लोग लॉन्ग टर्म रखते हैं उनको इनविट की तरफ देखना चाहिए जो शॉर्ट टर्म अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या देखना चाहिए हाँ। इन्वेस्टर को तो तो मुझे लगता है जो उनको देखना चाहिए कि एक तो पोर्टफोलियो जो है वो कितना वेल स्प्रेड है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट का रूल होता है नीता जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पैसा बोलता है मैं बहुत बहुत पहले मुझे याद है मैंने बात करी थी अंग्रेजी में बोलते हैं नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट कि अपने सारे पैसे आप एक ही जगह मत रखिए अब इसके दो मतलब हो गए एक तो ये हो गया मान लीजिए आपके पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए दस लाख रुपए हैं तो आप उनको तोड़ तोड़ के रखिए कुछ म्यूचुअल फंड्स में कुछ बैंक की में में कुछ में, कुछ सेविंग्स अकाउंट गोल्ड में वगैरह वगैरह एक तो ये हो गया अब आपने जो रीट और इनविट के लिए पैसा चुना है मान लीजिए आपने दस लाख में से दो लाख रुपए चुना कि हम रीट इनविट आज पैसा बोलता है देखने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा रीट ऐसा है मैं रीट का बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि रीट थोड़ा पुराना है दो से है जिसका पोर्ट फोलियो वेल स्प्रेड है हुँ. मतलब उसने एक दो प्रोजेक्ट्स में नहीं बल्कि आठ दस अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट में किया कि मान लीजिए किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट इतना नहीं चल पाता है हुँ. या कहीं से इतना किराया नहीं आ पाता है हुँ. या कहीं पर कैपिटल इतनी नहीं हो पाती है क्योंकि ये तो आपको आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसने हुँ. कहां कहां पैसा लगा रखा है हुँ. तो मुझे लग रहा है ऐसा चूज करना चाहिए जहां पर बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो और यह देखना चाहिए कि जहां पर किराए की जो इनकम क्योंकि डिविडेंड आता है किराए की इनकम से और मॉडगेज वाले में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है तो ये देखना चाहिए कि तो कोई भी इन्वेस्टर ये चाहेगा कि मेरा पैसा देने के बाद जल्द से जल्द मुझे रिटर्न दिखना शुरू हो जाए ना कि दो तीन साल इन्वेस्ट करने के बाद वो कहते हैं भाई क्या हुआ पैसा लगाया था उसकी कोई खबर ही नहीं आई तो मुझे लग रहा है ये कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा तो आपको दूसरा रिस्क बहुत बड़ी मैटर है कि मान लीजिए कोई रेगुलेटरी रिस्क है या कोई और रिस्क है मान लीजिए कोई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कोई और किस्म का रिस्क है कोई प्रोमोटर के साथ दिक्कत आ जाती है कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है प्रॉपर्टी में कोई बाद में डिस्प्यूट निकल आता है तो रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है ये हमेशा आप देख के चलिए कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया और सबसे अहम बात कि रिटर्न कितना आ रहा है तो अगर मेरे सामने चार रीट हैं तो मैं पहले उनकी हिस्ट्री उठा के देखूंगा कि इस रीट ने छह परसेंट रिटर्न दिया इसने पीछे आठ परसेंट रिटर्न दिया इसने सात दिया इसने ज्यादा दिया तो क्यों ज्यादा दिया कम दिया तो क्यों दे दिया यह भी कोई जरूरी नहीं है कि पीछे अगर आठ आया है तो आगे भी आठ परसेंट आता रहेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने पैसा लगाया कहां हुआ है ऐसा कई बार ऐसा होता है शुरू शुरू में पांच परसेंट आ रहा है उसके बाद एकदम दस परसेंट आना शुरू हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को अगर खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं करें वरना किसी एक्सपर्ट की राय दे के वो करते हैं, अगर उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट से बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके वो आप इन्वेस्ट करिए तो ये कुछ पैमाने होंगे जिनके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अमित जी आपसे समझना चाहेंगे हम लगातार कंपेयर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड का तो एग्जाम्पल हम लगातार दे रहे हैं लेकिन बाकी अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें बॉन्ड्स के साथ फिक्स डिपॉजिट के साथ तो आप कैसे देखते हैं नीता ये हर चीज़ हम एक साथ एक तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी की ऑब्जेक्टिव अलग होती जी। है अब बॉन्ड की रिटर्न्स डिफरेंट हैं बट उसमें रिस्क डिफरेंट uh, है एफडी की बात करूं तो उसमें रिस्क डिफरेंट है रिटर्न्स डिफरेंट हैं म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी तो उसी तरह हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और जैसा कि डॉक्टर शरद ने अभी बताया कि पोर्टफोलियो हमें अपना देखना पड़ेगा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी गोल सेटिंग हमने क्या करी है किस चीज़ के लिए मैंने पैसा लगाना है कितने समय के लिए लगाना है अगर छोटे समय के लिए लगाना है कि मझोले समय के लिए लगाना है कि लंबे समय के लिए लगाना है और फ्लेक्सिबिलिटी मैं उसमें कितना चाह रहा हूं और उसके हिसाब से हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए बेशक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की अगर सहायता ले सकते हैं तो जरूर लें स्पेशली रीट और इनविट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में मालूम नहीं है तो बिना मालूम किए किसी के जस्ट कहने पर आप सीधा ना इंटर करें थोड़ा इसके बारे में जानकारी जरूर लें कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है और शरद जी ने बहुत अच्छा बताया सारा डिटेल्स कि किस तरह से मैनेज होता है और आज के डेट में एस इंडेक्स भी अवेलेबल है जिससे कि आप ट्रैक भी कर सकते हैं और समय समय पर आप अपना पोर्टफोलियो चेक भी कर सकते हैं कि कैसा रिटर्न दे रहा है फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं अगर आपने आज इन्वेस्ट कर दिया रीट और इनविट में तो ऐसा नहीं है कि उसको इन्वेस्ट करके भूल जाए उसको थोड़ा ट्रैक भी करें डेली बेसिस पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है लेकिन तीन महीने छः महीने पे जरूर ट्रैक करें कि उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं और किस तरह के रिटर्न्स आने की उम्मीद है और शरद जी ने जैसा बताया कि आज के डेट में अगर शायद कोई रीट और इनविट अभी रिटर्न उतना नहीं दे रहा है लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है हो सकता है कि आज से छ महीने एक साल दो साल के बाद वहां से रिटर्न आना ज्यादा शुरू हो जाए तो यह थोड़ा सा एक आप जरूर ध्यान दें और उसके हिसाब से आप अपने गोल सेटिंग के हिसाब से अपना एसेट एलोकेट करके इन्वेस्ट करें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बस यही डाल देना है जी बिल्कुल आपने जैसे कि डॉक्टर शरद बताया कि इसको स्टडी करने की जरूरत है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में हो सकता है इसलिए एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स के लिए हम जानना चाहेंगे जो कि हाउस वाइफ हैं या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कितना अपना पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज उसमें डालें और कैसे करें शुरुआत बहुत रेलिवेंट सवाल आपने पूछा है नीता और देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मुझे एक शख्स मिले उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास लाख रुपए और मुझे जहां मुझे जो सवाल पूछा वो तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, भी दूंगा। भी भी। पर मैं क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है क्या मुझे रीट में पचास लाख लगा देना चाहिए या मुझे वो दुकान लेनी चाहिए बड़ा पेचीदा सवाल था क्योंकि एक तरफ वो दुकान है उनकी देखी भाली है उनके मोहल्ले में है उसका मेरे ख्याल Uh, 20 महीने का किराया भी उसमें आता था। हुँ. तो अब सवाल ये उठता है कि आप यहां जाएं या वहां जाएं, अब फर्क क्या है कि वो दुकान है हुँ. वो दुकान का जितना कैपिटल अप्रिसिएशन आपके मोहल्ले में होगा हुँ. अपने अपने किस्म से होगा वो होगा जी. और जितना किराया आता है वो आपको दिख रहा है हुँ. कितना बढ़ेगा मैंने पूछा कितना बढ़ेगा कहते हैं साल में पांच परसेंट सात परसेंट किराएदार बढ़ा देते हैं ज्यादा तो नहीं बढ़ाते एक तरफ रीट था मैंने कहा यही पचास लाख अगर रीट में जाता है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये दुकान की बजाय रीट में ये मैं कहां लगा रहा हूं मतलब ये दुकान है मकान है है हाउस है के, के है कि 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 मकान फैक्ट्री वेयर हाउस मॉल क्या चीज है ये मैंने कहा सब कुछ है आपने पचास लाख दे के सब कुछ में लगा दिया और वो कहते हैं मैं तो छू नहीं सकता उसको मैंने कहा ये ठीक है आप छू नहीं सकते दुकान आप जाके छू सकते हैं देख सकते हैं छू नहीं सकता देख नहीं सकता हो सकता है कि जो किराए से आपको आमदनी उस दुकान से आ रही थी इससे आपको ज्यादा आनी शुरू हो जाए क्योंकि वो एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि जहां तक रिटर्न की बात है और यही मेन मुद्दा आता है कि कितना रिटर्न आना है तो मुझे लगता है कि रीट और इनविट फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं मैं आज भी मैंने पहले भी यही कहा और मैं इसको दोहराना चाहूंगा ये फ्यूचर के हैं क्योंकि अभी नया आया है 2007 2014 तो बहुत ही मुझे लग रहा है अभी जैसे फ्लेजलिंग स्टेज हम बोलते हैं उसमें है मुझे लगता है आने वाले पांच साल पांच से दस साल में ये प्रोडक्ट बहुत चमक के सामने आएंगे क्योंकि रियल इस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही हैं खासकर जहाँ पर लैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट है और मैं दर्शकों को बचाना चाहूंगा कि जब भी लैंड में इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि लैंड बहुत सीमित है बहुत लिमिटेड है हम, वो कभी गिरती नहीं उसकी प्राइस थम सकती है हम, गिर नहीं सकती हम, तो जहां पर लैंड है वो बहुत ठोस है सॉलिड है हम, उसमें जो लगाया है वो आने वाले वक्त में बहुत रिटर्न दे सकता है हम, अब आपका जो सवाल था कि कितने परसेंट लगाना चाहिए मान लीजिए आपके पास दस लाख रुपए है हम, तो मुझे लगता है आज कम से कम हमारे इस कार्यक्रम के बाद कम से कम दस परसेंट आप रीट इनविट के लिए रखें और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आप जो बैंक डिपॉजिट में पैसा रखते हैं वहां पर अगर सात परसेंट आठ परसेंट रिटर्न आता है हालांकि टैक्सेबल वो भी है टैक्सेबल ये भी है ये भी मैं साथ में बताना चाहूंगा कि रीट और इनविट से आने वाले रिटर्न टैक्सेबल है कोई उन पर टैक्स एक्सम्पन स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है और तो कुछ पैसा आप अपनी फिक्स डिपॉजिट से हटा के क्योंकि ये मैं आपको यकीनन तौर पे कह सकता हूं कि इसमें पैसा सेफ है क्योंकि रियल एस्टेट हवा हवा नहीं हो सकता है शेयर्स में लगाया हुआ पैसा एक दफे को हवा हवाई हो सकता है कि एकदम से शेयर की प्राइस गिर गई किसी वजह से उस कंपनी में दिक्कत आ गई पर क्योंकि यह इतना फैलाया हुआ पैसा है और रियल एस्टेट रियल एस्टेट का नाम है रियल एस्टेट रियल का मतलब होता है ये असली आप इन्वेस्टमेंट में करने जा रहे हैं इसीलिए इसको रियल एस्टेट तो मुझे लगता है हवा हवाई नहीं होगा बहुत सॉलिड इन्वेस्ट तो कुछ एफडी का पैसा आप दस परसेंट के आसपास दस परसेंट नहीं लगाना चाहते पांच परसेंट एक स्वाद चखने के लिए आप जरूर इसमें लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं मैं ये भी सलाह दूंगा इसको आप छह महीने साल के लिए ना देखें मेरी सलाह है कि आप तीन से पांच साल का नजरिया इसमें रखकर आगे चले जी बिल्कुल यहाँ पर आपसे भी अमित जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का वाक्य अभी डॉक्टर शरद ने बताया कोई आपके सामने ऐसा वाक्य आया हो जब आपके पास आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं कोई इस तरह के शख्स आए हो जिन्होंने की रीड की बात की हो या फिर कहा हो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है इस नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर के नीता जो शरद जी ने बताया इस तरह के वाक़ हमेशा होते रहते हैं लोग आते हैं और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा और जोड़ना चाहूँगा जो शरद जी ने बताया कि जो इनके पास आए उन्होंने पचास लाख इन्वेस्टमेंट की बात करी हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने जो रोते हुए आते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया आज वो प्रॉपर्टी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है हो सकता है उसमें कुछ लीगल इश्यूज आ गए हैं ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं या अभी वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉपर्टी पे तो वो अब ना तो वो उससे बाहर निकल पाते हैं और ना वो उसको मैनेज कर पाते हैं तो अगर उस तरह के जो कस्टमर्स हैं अगर वो रीट और इनवेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते तो यहाँ एक चीज़ तो बिल्कुल देखी दिखाई है कि रेगुलेटर यहाँ पे इन्वॉल्व है प्रोफेशनल मैनेजर्स मैनेज करने के लिए हैं आपके फंड को वो जहाँ पैसे लगा रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं वो प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं सेबी से गाइडेड से हैं और आपको डे टू डे रूटीन में उसकी देखभाल प्रॉपर्टी की करने की जरूरत नहीं पड़ रही है जबकि अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं पैसे और आप यहाँ पे रहते नहीं हैं सपोज जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं कि हमने प्रॉपर्टी एक खरीदी थी छः साल पहले अब आज के डेट में वो बिल्कुल जर्जर जर हालत में है वहाँ रेंट लगाना मुश्किल हो रहा है जो हमारे पास आते हैं वो टेनेंट छोड़ के चले जाते हैं दोबारा हमें खर्च करना पड़ता है उसमें उसको रिफरविश करने के लिए प्रॉपर्टी फिर टेनेंट मिलते नहीं है जल्दी तो इन सारे झंझटों में आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आप रीट और इनविट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हुँ, क्योंकि हुँ। उसके लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंटेड हैं वो प्रोफेशनली प्रॉपर्टी सारा मैनेज कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके थ्रू रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल। अमित जी ये तो बात हुई एडवांटेजेस की डॉक्टर श्रद्धा आप हम सब ने भी बहुत सारे एडवांटेजेस की बात की बेनिफिट्स की बात की लेकिन जो इससे रिस्क जुड़े हुए हैं मोटे मोटे वो आपसे जानना चाहें, चाहेंगे चाहेंगे हालांकि आपने ये भी सजेशन दिया है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लें लेकिन फिर भी जब आप इन्वेस्ट करें तो किस तरह से एहतियात तो बरतें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बिल्कुल ध्यान में रखें और तब इन्वेस्ट करें रिस्क जो इन्वॉल्व है देखिए सबसे पहली बात तो नीता मैं बताना चाहूंगा कि आ, इसको एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि मान लीजिए आज, आज आपने इन्वेस्ट किया और आप छः महीने बाद सोचते हैं कि मैं पैसा इसमें से निकाल लूँ और पता लगा आपने मान लीजिए डेढ़ सौ रुपये का एक रीट यूनिट लिया था और अब वो एक का दिख रहा है तो आपको लग रहा है तो पाँच का मुझे उल्टा घाटा हो गया प्रति यूनिट तो ये नजरिया मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा क्योंकि रीट में अगर आप या इन्विट में आ रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए तो इसको मैं एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मानता हूं क्योंकि आजकल लोगों में थोड़ा सा सब्र कम देखा जाता है हाँ जी। आप जल्दी जल्दी खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है ना वो तो चाहती है कि रातों रात हमारे पैसे दुगने तिगने हो जाएं तो लॉन्ग टर्म व्यू आपको रखना पड़ेगा तो मैं उसको आजकल हालांकि वो रिस्क नहीं होता है वो एक तो एक इन्वेस्टमेंट की एडवाइस होती है पर थोड़ा सा मैं इसको लिमिटेशन मानता हूं दूसरा मैं मानता हूं कि इसमें थोड़े रेगुलेटरी रिस्क रहते हैं जैसा अभी अमित ने बताया कि किसी प्रॉपर्टी में कल को कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लीकेशन आ सकती है कोई टाइटल का डिस्प्यूट निकल सकता है कोई गवर्नमेंट uh, एक्विजिशन में वो जगह आ सकती है मान लीजिए वहां पर सरकार को बहुत जरूरत पड़ गई और उस जमीन को लेना पड़ गया कुछ ऐसा आ सकता है प्लस ये हो सकता है कई बार किसी किसी एरिया में जो बिल्ट अप एरिया होता है वो ज्यादातर तो एरिया चमक जाते हैं पर आपने देखा होगा हर शहर में ऐसा कोई एरिया होता है कि भाई ये अब पिट सा गया है ऐसा लग रहा है कि यार ये एरिया उतना डेवलप नहीं हो पाया वहां तो बहुत अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट हुई है पर ये एरिया ऐसे ही रह गया कोई आसपास स्लम था या आसपास कोई ऐसा कूड़ादान था तो इस टाइप के रिस्क भी होते हैं उसमें क्या होगा कि अगर अगर उस, उस रीट ने वहां पैसा ज्यादा लगाया हुआ है तो आप देखेंगे कि वो उतना नहीं बढ़ पाएगा तो आपको वो रिटर्न हो उस, सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी नीची भी आ जाए तो एक रेगुलेटरी इसको हम रेगुलेटरी रिस्क बोलते हैं तो रेगुलेटरी रिस्क हो गया लोकेशन का रिस्क हो गया कोई कोई रीट ऐसा होता है हालांकि बहुत ज्यादा अभी है नहीं रीट यहां पर हुँ. जो कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नीता डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते जिस मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी कि उन्होंने कुछ मॉल में लगाया हुँ. कुछ ऑफिस स्पेस में लगाया कुछ कमर्शियल स्पेस में लगाया कुछ अपार्टमेंट में लगाया कुछ वेयर हाउसेज में लगाया तो आप अगर फैला के लगाते हैं तो एक जगह से अगर नुकसान भी हो गया तो दूसरी जगह उसको पूरा कर देती है पर अगर आपका रीट बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं है तो थोड़ा सा वहां रिस्क एक्सपोज़र बढ़ जाता है मान लीजिए उन्होंने म्यूचुअल तो फंड से तो कंपेयर तो करें और स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो आपको हैरानी होगी इनविट में रिस्क कम है जितना वहां रिस्क है क्योंकि शेयर मार्केट तो हर मोमेंट हर हर पल ऊपर नीचे होती रहती है पर प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती कि आप सुबह बारह बजे कुछ थी और एक बजे कुछ थी और तीन बजे कुछ थी कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा तो उसके मुकाबले रिस्क फिर भी कम है तो फिर मैं इतना जो देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिया इसमें रख के चलें जो बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं शायद उनको रीट और इनविट से दूर रहना चाहिए पेशेंस so रखने की जरूरत है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं रीट और इनविट में अमित जी आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे हम बात कर रहे हैं नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की रीट और इनविट की क्या आप कहना चाहेंगे नीता जैसा हम लोगों ने अभी बात किया कि ये एक ट्रस्ट है जो फंड मैनेज करता है तो फंड मैनेज करने के लिए नॉट ओनली मैनेजमेंट उसको डेली बेसिस पे चलाता है उस पर रिटर्न मैनेज करता है प्रॉपर्टी पूरी उसकी देखभाल करता है ये सारी चीज करता है जी. तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये देता है रिटेल इन्वेस्टर को रियल hmm. स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंटर करने का hmm. जो कि पहले नहीं होता था लेकिन आज के डेट में हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी तो रिटेल इन्वेस्टर को मैं जरूर जैसा शरद जी ने भी बोला कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10 परसेंट जरूर इन्वेस्ट करें नहीं तो 5 परसेंट जरूर करें स्वाद चखें इसी बात को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जरूर चखें और थोड़े लंबे समय के लिए पेशेंस रख के बने रहें स्वाद अच्छा ही आएगा जी बिल्कुल डॉक्टर शरद आपसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि आ, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को जो कि इनविट या फिर आ, रीट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देखिए घर बनाना सपना होता था सबका और मुझे लग रहा है एक जमाना था नीता जब लोग घर में इन्वेस्ट करते थे वही तो जिंदगी में एक ही बार होता है तो रीट और इन्विट ने किया क्या है कि रीट और इन्विट ने उन घरों की अगर मैं इसको थोड़ा सा हंसी मजाक के हल्के फुलके अंदाज में कहूं कि उनकी ईटे उनके सरिये भी अब आप ट्रेड कर सकते हैं मेरा नहीं कहने नहीं। का मतलब यह है कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज में आपका एक छोटा सा हिस्सा रीट और इन, या बहुत लंबी बड़ी सड़क में आपका एक छोटा जब आप कल को सड़क पे चल रहे होंगे आप उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको फक्र होगा ये ये सोचकर कि इसमें कुछ हिस्सा शायद मेरा भी है तो मुझे लग रहा है रीट इनबिट ने यही जादू किया है कि उन महंगे महंगे रियल इस्टेट प्रोडक्ट्स को आम इन्वेस्टर्स uh, तक ला के रख दिया उनके उनके कदमों में ला के रख दिया कि आप इसमें से अपना थोड़ा सा हिस्सा उठा लीजिए और जो फायदा उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हुआ करता था वही फायदे का स्वाद आप भी कुछ चख लीजिए जी बिल्कुल आप दोनों ने समय निकाला और इतनी अहम जानकारी रीट और इनविट से जुड़ी दी उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आदाब आदाब तो हमारे दोनों गेस्ट जानकारी दे रहे थे कि इन्विट और रीट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किन बातों का आप ध्यान रखें एहतियात बरतें और लॉन्ग टर्म व्यू रखें और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बनाएं जिससे कि रिस्क कम रहेगा और साथ ही पाँच से दस परसेंट ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें और देखें कि कैसा स्वाद इसका स्वाद ज़रूर चाहे पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसके ये हमारा ईमेल आईडी है डी डी उर्दू एट जी मेल डॉट कॉम इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदाब